जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरा ये सेकंड वीडियो है। पहले वाला वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने वो बीच में कुछ चीज़ें नहीं बता पाया, तो मैं आज सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट करने का प्रयत्न करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, लेटीट्यूड्स क्या हैं, राहु केतु क्या है, एक्लिप्टिक क्या है, तो मैं यही चाहूँगा दर्शकों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें वो पहला वाला वीडियो उसका देख लें, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये सोलर सिस्टम क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लेटीट्यूड क्या है, राहु केतु ग्रह क्या है और एक्लिप्टिक हमारा क्या चीज़ होती है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी के लिए जानना, उसमें जानना जब बहुत ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हमारे क्या होते हैं, क्योंकि जितनी भी मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं कुंडली बनाने के लिए, हॉरोस्कोप बनाने के लिए, वो सारी कैलकुलेशंस में हमेशा लॉन्गिट्यूड का, लेटीट्यूड का और ये सारे एक्लिप्टिक क्या है, सैडरियल टाइम क्या है, लोकल मीन टाइम का है, इन सब का इस्तेमाल होता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मित्रों कि सैडरियल टाइम क्या चीज़ है और नॉर्मल टाइम क्या चीज़ है हमारा। जैसे आप ये समझिए कि पृथ्वी हमारी, ये जो पृथ्वी है अगर आप इसको देखें तो ये पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ये आपका, इसको मैं से दिखा देता हूँ आपको, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते इसको अगर हम देखें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो पृथ्वी सूर्य यहाँ पर सूर्य अगर लगा लिया जाए हमारा, तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी अपनी धुरी पे भी, यानी जैसे पृथ्वी अगर ये है तो इस तरह चल रही है, एक तो उसकी इसका वेलोसिटी इस तरीके से है एंड सेकंड वेलोसिटी है ये कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पे ऐसे घूम रही है। तो पृथ्वी ऐसे घूमते हुए, अपने एक्सिस पे घूमते हुए पूरा चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पे पूरा घूम जाती है, एक राउंड उसको लगाने में 24 आवर्स लगते हैं पृथ्वी को अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, जिससे हमारे दिन और रात होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पे 24 आवर्स लगाए। अगर हम इसको दूसरे वे में देखें कि हमारा सैडरियल टाइम क्या है, ये तो हमारा हो गया सिंपल टाइम, जो नॉर्मल टाइम हमारा, जिसको हम बोलते हैं सोलर टाइम बोल देते हैं इसको हम लोग, जो नॉर्मली हम लोग अपनी बातों में आपस में बातें करते हैं कि 24 घंटे हो गए, 23 घंटे हो गए, 22 घंटे हो गए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है साइड रियल टाइम निकालना, इसको हिंदी में बोलते हैं संपात समय, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। तो साइड रियल टाइम क्या है? साइड रियल टाइम ये है कि सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति यहाँ अर्थ पे इधर खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इधर, और यहां पे कोई स्टार है, तो ये देख रहा है इसको, स्टार को, यानी ये स्टार को देख रहा है इससे। अब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट ऐसे घूम रही है, तो पृथ्वी ऐसे घूमती है तो अगर हम ये मान लें कि ये टाइम है स्टार्ट करने का, इसने देखा ये स्टार को इधर, और इसके बाद पृथ्वी ने घूमना चालू किया, ये पृथ्वी घूम रही है इस तरह से घूमती जाती है तो दोबारा से इसी लोकेशन पर आती है जहाँ से ये स्टार, इसको फिर यही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जितने भी स्टार्स होते हैं वो तो नहीं घूम रहे हैं ना, स्टार्स सारे स्टेशनरी हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टेशनरी स्टार ले लिया, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया अपना, कि जो स्टेशनरी स्टार है जो ये रुका हुआ है आसमान में, ब्रह्मांड में, इस स्टार को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और जो हम देख रहे हैं नीचे से, हम देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार यहाँ पे है, तो हमने टेलीस्कोप लगा के देखा कि स्टार आ रहा है सामने हमारे। फिर हम नेक्स्ट डे दोबारा से हम लोगों ने जाके देखा, तो फिर जाके देखा कि पृथ्वी यहीं घूम के इसी जगह पर आ गई है और ये स्टार फिर दिखाई दे रहा है। तो ये जो टाइम होता है किसी स्टार के रेफरेंस में चलता है, इसको बोलते हैं सैडरियल टाइम। यानी किसी भी फिक्स स्टार के एजेंस में पृथ्वी घूमकर जब अपनी पुरानी लोकेशन पर आ जाती है तो वो सैडरियल टाइम कहलाता है। अब ये सैडरियल टाइम जो होता है, इसमें क्या फर्क है? ये तो 24 आवर्स में अपनी धुरी पे लगाती है सोलर टाइम जो है, और सैडरियल टाइम हमारा होता है 23 आवर्स 56 मिनट।
यानी 4 मिनट का समय कम होता है साइड रियल टाइम सोलर टाइम से। नॉर्मली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 24 आवर्स का इस्तेमाल करते हैं सोलर टाइम, बट एस्ट्रोलॉजी में हम हमेशा कुंडली बनाने के लिए साइड रियल टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट हमारा इसमें लगता है। तो ये हमारा साइड रियल टाइम ही सारा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी हमारी गणनाएं हैं या जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सारी स्टार के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए चूंकि साइड रियल टाइम जो है वो स्टार के रेफरेंस में है, किसी स्टार को हम देख रहे हैं उस स्टार के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और घूमते घूमते आदमी भी घूम रहा है, उसके बाद जब वो स्टार के सामने आ जाता है तो हमारा ये 23 घंटा 56 मिनट हो जाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कुंडली बनाने में साइड रियल टाइम का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हुआ साइड रियल टाइम, और नॉर्मल टाइम हमारा 24 घंटे हुआ जो दिन रात का समय मिला के हमारा होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहें ऐसे करके, इसमें एक चीज मित्रों मैं खुद बताना चाहूंगा। अब जैसे हमने 24 आवर्स का टाइम बताया कि हमारे 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स जो पृथ्वी घूमी वो कितना घूमी, आप ये देखेंगे पृथ्वी को ऐसे, तो पृथ्वी जो हमारी घूमी है वो ये कितना एंगल हुआ टोटल मिला के, ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल 360 डिग्री एंगल, इतना हिस्सा 90 डिग्री, इतना हिस्सा 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री, तो कुल मिला के पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, अगर सोलर टाइम की बात करें। अभी मैं सैटरडे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, ये सोलर टाइम की बात हो रही है, सोलर समय जो होता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है, अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको देखें तो 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 आवर्स में, या इसको हम 24 आवर्स को यूं लिख सकते हैं कि 24 × 60 मिनट्स, इतने मिनट्स में। तो इस एक डिग्री पृथ्वी कितने में घूमेगी, यानी 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है 24 × 60 मिनट्स के अंदर। तो एक डिग्री घूमेगी, सिंपल अर्थमेटिकल है, मैथमेटिक्स है कि 24 × 60 / 360, ये आपका यहां 6 आ गया और यहां आपका 4 आ गया, यानी 4 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी एक डिग्री 4 मिनट्स में घूम जाती है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि ये आवर्स की बात हो रही है, ये मिनट्स की बात हो रही है, ये आवर्स और मिनट्स टाइम वाला है, ये डिग्री है, डिग्री मींस एंगल, यानी एक डिग्री एंगल पृथ्वी घूमने में 4 मिनट लेती है। अच्छा, एंगल के अंदर भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एंगल में डिग्री भी होता है, एंगल में डिग्री भी होता है और एंगल में मिनट भी होता है और एंगल में सेकंड भी होता है। तो मित्रों कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जब यहां डिग्री में तो कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि डिग्री तो डिफरेंट एक नोमेनक्लेचर है, पर मिनट और सेकंड एंगल के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये 60 मिनट्स एंगल है, यानी 60 मिनट एंगल, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये एंगल है, ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये टाइम की बात नहीं कर रहे हम। अब आप ये देखिए कि एक डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, 4 मिनट ये टाइम वाला हो गया, इंटू 60 सेकंड्स में हो जाएगा अगर 60 से मल्टीप्लाई करें इसको हम, तो एक डिग्री पृथ्वी घूमती है 4 मिनट, 4 मिनट इंटू 60 सेकंड्स इतने समय में घूमती है। तो अब पृथ्वी एक मिनट कितने में घूमेगी, एक मिनट ये टाइम मेरा वाला मिनट नहीं, ये एंगल हो गया, ये एंगल एक मिनट, ये एंगल एक मिनट, और जैसे मैंने बताया कि एक मिनट है आपका 60 सेकंड के बराबर, तो 4 × 60 / 60, तो ये आपका इसमें कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर आपका एक मिनट में 4 सेकंड में आपका आंसर आ गया, क्योंकि हम लोग उसको सेकंड में चेंज कर चुके हैं, इसलिए 4 सेकंड में आंसर आ गया। देखें तो ये 60 के अंदर आपका कट गया है, तो ये 4 आ गया, ये चूंकि सेकंड था आपका, हमने 4 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो 4 सेकंड में।
तो कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय एंगल, और 1 मिनट एंगल घूमने में लगता है 4 सेकंड का समय। तो ये हमारी इसमें कैलकुलेशंस ये है जो आपको बहुत याद रखनी है, और जो ये चीजें बहुत काम में आती हैं, दोनों चीजें इसलिए काम में आती है कि जब भी आप किसी की कुंडली बनाएंगे, हॉरोस्कोप बनाएंगे, तो हॉरोस्कोप बनाते वक्त आपको देखना पड़ेगा कि आप जो जिस बच्चे की या जिस मनुष्य की आप हॉरोस्कोप बना रहे हैं तो वो क्या इंग्लैंड में पैदा हुआ है या इंडिया में पैदा हुआ है। इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो इंडिया में इलाहाबाद में हुआ है या भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, साउथ में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, तो हर जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफरेंट है, और हमें इस चीज़ों का बहुत इस्तेमाल उसमें करना है जहाँ पे हम ये 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू 4 सेकंड, यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। आप जैसा पृथ्वी आपकी है, जहाँ आप खड़े हुए हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, ये 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट ले जाती है। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, और 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट के अंदर, और 1 मिनट घूमती है पृथ्वी 4 सेकंड के अंदर। तो ये चीज़ में ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा, ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा तो ये बड़ा अच्छा इसमें रहेगा। तो सैडरियल टाइम आपका हो गया, ये टाइम हो गया। एक चीज आती है GMT, ग्रीनविच मिन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब भी हॉरोस्कोप बनाने वाली बात होती है, कुंडली बनाने की बात होती है। ये ग्रीनविच टाइम क्या है? देखिए, हर जगह का टाइम डिफरेंट है। इंग्लैंड का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, कनाडा का टाइम अलग है, भारत का टाइम अलग है। तो किसी एक जगह का टाइम मान लिया है रेफरेंस, कि भाई इस जगह का टाइम को मान लेते हैं रेफरेंस, और उस जगह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर अमेरिका में हम लोग हैं तो इतने घंटे आगे हैं, कनाडा में हैं तो इतने घंटे पीछे हैं, इंग्लैंड में हैं तो इतने घंटे आगे हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये आपका, हमने आपको दिखाया था पृथ्वी है, तो ये जो सेंटर है ये वाला, इसको हमने बोला है GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो यहां पे हम लोगों ने टाइम को जीरो मान लिया है, यहां पे हमने GMT मान लिया है कि यहां से हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है, हमारा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारा टाइम, यहां पे हमने 0 मान के इसको रख लिया, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टाइम प्लस करते जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्री अलग अलग जगह बसे हुए, जैसे इंडिया यहाँ बसा हुआ है तो इंडिया में टाइम कुछ अलग होगा, इधर कुछ अलग होगा। तो GMT, ये टाइम ग्रीनविच एक रेखा है जो इंग्लैंड में है, तो यहाँ पर टाइम को हमने कांस्टेंट मान लिया है कि GMT से। अब देखना यह है कि इंडिया में कितना हमारा टाइम मिलेगा हमको। अब इसमें सिंपली बात इतनी सी है कि अगर हम देखें इस चीज़ को, क्योंकि GMT हमने मान लिया है 0 यहाँ पे टाइम, तो इंडिया का अगर आप लॉन्गिट्यूड देखें तो वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स है, ये लॉन्गिट्यूड है ईस्ट। ये मैंने आपको लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि लॉन्गिट्यूड को हमेशा ईस्ट में शो करते हैं और वो वैसे करते हैं। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है पृथ्वी का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी ये हुआ, अभी हमने निकाला कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में लगते हैं 4 मिनट, तो 82 × 4, और ये 30 मिनट्स अलग है, प्लस 30 मिनट्स 1 मिनट पृथ्वी को घूमने में लगता है 4 सेकंड × 4, तो ये आपका आ गया 328 मिनट्स प्लस 120 सेकंड्स, 120 सेकंड भी 2 मिनट्स हो गया हमारा, तो दिस विल बिकम 330 मिनट्स, यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स।
इंडिया का ये लॉन्गिट्यूड होने से हमको मालूम चला कि इंडिया का टाइम जो है वो 5.5 घंटे यहां से आगे है, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है तो प्लस होगा, इधर होगा तो माइनस होगा। यानी इंडिया का टाइम यहां पे अगर लंदन में यहां पर 1 बज रहा है तो हमारे इंडिया में यहां पे शाम के 6:30 बज रहे होंगे, आप ये लगाइए। तो ये बहुत जरूरी है, ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो ये आप जैसे ग्रीनविच टाइम का हमने लगा लिया, ग्रीनविच टाइम तो जहां से मैं 0 मान लिया है उधर पे, ऐसे ही हमने इंडिया का हमने देखा कि हमारा लॉन्गिट्यूड ये वाला है इंडिया का, तो इंडिया का भी हम लोगों ने, अब अगर आप देखें जैसे भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे, पूरा भारत को अगर मान लिया, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, तो उसके अंदर भी यहां से लेके यहां तक ये जो IST है बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा 82° 30' ईस्ट है, ये आपका सेंटर वाला पॉइंट हमने लिया है। और हमेशा हम टाइम के लिए, क्योंकि भारत में हम लोग रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर 2 बज रहा है यहाँ पे तो हम मानते हैं कि कलकत्ता में भी 2 ही बज रहे होंगे, हम ये मानते हैं कि गुजरात में भी 2 बज रहे होंगे, हम ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा जो एरिया है, गुवाहाटी है, कहीं भी है या मणिपुर है, वहाँ भी हमारे 2 ही बज रहे होंगे, चूँकि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस GMT के रेफरेंस में, यहाँ हमने पृथ्वी मानी, अपना इंग्लैंड माना है, इंडिया माना है, तो GMT के रेफरेंस में इंडिया, जब GMT से हमने कैलकुलेट किया है तो हमने ये पॉइंट लिया है सेंटर वाला, तो ये हमारा था 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। लेकिन अगर हम इंडिया के इस हिस्से में रहते हैं, इस हिस्से में, तो इसकी वैल्यू 82 डिग्री से कम हो जाएगी, और अगर हम इंडिया के इस हिस्से में रहते हैं तो इसकी वैल्यू 82 डिग्री से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक्चुअल टाइम हम लोग देखें, जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, गाजियाबाद तो अगर हम यहां देखें, गाजियाबाद का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट अप्रॉक्सीमेट, यानी 5 डिग्री कम है। पूरे भारतवर्ष का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये जो मेरिडियन हमने माना हुआ है, लॉन्गिट्यूड माना हुआ है, वो 82 डिग्री 30 मिनट्स माना हुआ है, लेकिन हमारे गाजियाबाद का ये सेंटर, हमारा ये पूरे इंडिया का सेंटर का हमने माना हुआ है, अगर हम गाजियाबाद कर लें तो 77 डिग्री ईस्ट होता है। तो हमने जैसे अभी बताया कि 1 डिग्री = 4 मिनट, तो 5 डिग्री कम हो गया गाजियाबाद का, तो 5 कम होने से 5 × 4 मिनट यानी 20 मिनट्स, यानी इंडिया में जो टाइम हो रहा है सेंटर में जो हमने दिखाया हुआ है, अगर हम गाजियाबाद में टाइम माने तो वो टाइम 20 मिनट कम है एक्चुअल में गाजियाबाद के अंदर। हम कहते तो हैं, हम बैठे हैं यहाँ, बैठे हुए हम बोल रहे हैं कि 2 बज रहे हैं इस वक्त, या इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, लेकिन वही टाइम 2:30 बजे जो हम बोल रहे होते हैं, हो सकता है गाजियाबाद के अंदर वही टाइम 2:10 हो, लोकल मिन टाइम 2:10 होगा। घड़ी हमारी गाजियाबाद में भी 2:30 दिखाएगी, क्योंकि हमने घड़ियाँ अपनी सारी IST में फिक्स की हुई हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर, घड़ी में हमने लोकल मिन टाइम फिक्स नहीं किया। तो ये जो टाइम होता है जो वेरी करता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, भारत में कोई और जगह होगी, यहाँ पे कोई जगह होगी, इसका अगर मान लिया लॉन्गिट्यूड आपका 90 डिग्री ईस्ट है तो ये 8 डिग्री बढ़ गया, यानी 40 मिनट का फर्क हो गया यहाँ पे। तो ये 5.5 घंटा था, ये और 40 मिनट जुड़ गया इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका लोकल मीन टाइम होता है, हर जगह का एक लोकल मीन टाइम होता है, पूरे इंडिया का एक टाइम है, स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ जहां आप रहते हैं, अगर आप इलाहाबाद रहते हैं या आप गोरखपुर रहते हैं या आप गाजियाबाद रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो वहां का भी एक टाइम होता है, जो वो टाइम आपका निकलता है गाजियाबाद के या जो उस लोकेशन पे आप रहते हैं उस लोकेशन के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो वो टाइम आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो ये हमारा हुआ लोकल मेन टाइम। तो ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ आपको ये था कि जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कुंडली बनाने के बारे में, हॉरोस्कोप जब बनाना हम चाहेंगे, तो उसमें हमेशा ये आएगा
कि ये बच्चा जो टाइम दिया होता है कि इस बच्चे ने जन्म लिया है दोपहर के 2 बजे, तो हम कहते हैं दोपहर के 2 बजे, वो 2 बजे का टाइम तो वो पूरा नॉर्मल है, पूरे इंडिया का टाइम है 2 बजे का। लेकिन अगर मान लिया बच्चा पैदा हुआ है इंडिया में गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में जो टाइम का है, मैंने जैसे बताया आपको भी कि 20 मिनट का फर्क है IST से, यानी गाजियाबाद में 1:40 हुए हुए। तो कुंडली बनाने के लिए हम टाइम जो लेंगे वो लोकल मिन टाइम लेंगे। ये 3-4 चीजें याद रखनी आपको बहुत जरूरी है कि ग्रीनविच मिन टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, लोकल मिन टाइम क्या है, सिडरियल टाइम क्या है। तो ये 4-5 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको एस्ट्रोलॉजी पूरी समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आपका एक बार वैसे ही बस वो करा देता हूं थोड़ा सा। आपको बस एक छोटा सा रिवीजन मैं करा देता हूं कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 आवर्स में, अपनी एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी, यानी कि 1 डिग्री घूमी 4 मिनट में, यानी कि 24/360 × 60 मिनट्स ये एंगल है घूमने वाला। इसी प्रकार से 1 मिनट एंगल घूमती है पृथ्वी 4 सेकंड्स में। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कायदा। एक मैंने आपको बताया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि पूरे भारत के लिए फिक्स होता है। अगर पूरे भारत में 2 बज रहे हैं तो 2 बजे का टाइम आ गया 2 PM। ये आप कलकत्ता में हो या कहीं भी हो, सभी घड़ियां 2 बजे टाइम दिखाएंगी। आप मद्रास चले जाएंगे तब भी आपकी घड़ी में 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, आप कलकत्ता में होंगे तब भी 2 बजे का टाइम होगा, आप गाजियाबाद में होंगे तो भी 2 बजे का टाइम होगा, आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो टाइम 2 बजे का होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमने भारतवर्ष के बीच का टाइम लिया हुआ ये वाला। तो ये टाइम घटता या बढ़ता है लोकेशन के हिसाब से, और लोकेशन में भी लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के हिसाब से। तो लॉन्गिट्यूड का जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड को हमेशा ईस्ट और वेस्ट जब लिखा होता है इसमें शो करते हैं, लेटिट्यूड को हमेशा नॉर्थ और साउथ में शो करते हैं। तो ये एक दिखाने का तरीका होता है। तो जब भी कभी हमें कहीं का कोई टाइम देखना है तो ज़रूरी है कि उस लोकेशन के हमको लॉन्गिट्यूड देखना पड़ेगा, उस लोकेशन का हमको लेटिट्यूड देखना पड़ेगा, तो हम उससे निकालते हैं। और जैसे आपको बताया मैंने कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 degrees 30 minutes ईस्ट है, ये इसकी वैल्यू है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहाँ पे हमारी लाइन खींची है मेन सेंटर लाइन, वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 degrees 30 minutes ईस्ट है। तो अगर आपने गाजियाबाद का टाइम निकलना है तो गाजियाबाद में अगर 77 degrees ईस्ट है लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे 5 degrees कम हुआ 82 से, तो 5 degrees कम हुआ तो 1 degree में 4 मिनट घूम जाती है, तो 5 degrees में 20 मिनट घूम गई, तो करीब करीब 20 मिनट्स का फर्क आ गया, यानी गाजियाबाद में 20 मिनट्स कम हुए हैं। यहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ पे गाजियाबाद में 1:40 का टाइम हो रहा है 1:40। तो इस तरीके से किसी भी लोकेशन पे, आप कलकत्ता हो तो कलकत्ता का लॉन्गिट्यूड देखिए, आप गुवाहाटी हो तो गुवाहाटी का लॉन्गिट्यूड देखिए, जहाँ भी है आप वो लॉन्गिट्यूड देखिए और उसके बाद इससे माइनस प्लस जो भी निकलता है वो कीजिए उस फार्मूले के हिसाब से, 1 degree 4 minutes के हिसाब से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी लोकेशन में उस लॉन्गिट्यूड उस लेटिट्यूड पे कितना टाइम है, वो टाइम कहलाता है लोकल मेन टाइम। तो मित्रों ये मैंने आपको इसके अंदर बताया। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कि अब आपकी एस्ट्रोनॉमी जो है, जो आपको मेन आपको जरूर जानने की जरूरत थी कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लेटिट्यूड क्या है, पृथ्वी सोलर सिस्टम हमारा क्या है और पृथ्वी कैसे घूमती है, कितना टाइम लेती है, सिडरियल टाइम क्या है, तो इससे ये पूरा आइडिया इस चीज़ में लग जाएगा आपको कि एस्ट्रोनॉमी जो बेसिक है उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान इससे हो जाएगा। अब हमारी जो क्लास आगे चालू होंगी वो सारी क्लास हमारी शुरू होंगी अब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट था, उसमें एस्ट्रोलॉजी में राशियाँ क्या हैं, ग्रह क्या हैं, राशियों के स्वामी कौन है, वो सब चीज़ें स्टार्ट होगी इसके अंदर। तो इससे पहले मैं आपको एक, क्योंकि मैं मित्रों आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कल पहली वीडियो में भी कहा था कि मेरे भी मोटिवेशन के लिए बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल लिए और
जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको हमेशा अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे। और जाने से पहले मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। तो हालांकि ये टिप जो मैंने लिखा है, ये टिप लिखा है उन लोगों के लिए जो पहले ही एस्ट्रोलॉजी में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। जो आगे जाके मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको बताऊंगा, सारे डिफरेंट कितनी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटा सा बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ आप अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है त्रियादे खेटे स्वच्छ औगे केंद्र स्थे स्वर्ष स्थिर व भूपति स्यात प्रसिद्ध, यानी कि तीन या उससे अधिक ग्रह, त्रियादे खेटे, तीन या उससे अधिक ग्रह स्वराशि के हों, स्वच्छ या उच्च राशि के हों और केंद्र में स्थित हों, केंद्र संस्थे यानी कहीं किसी कुंडली के अंदर तीन या उससे अधिक ग्रह स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर केंद्र में ही स्थित हों, एक चार सात दस भाव में हों, तो ऐसा व्यक्ति भूपति स्यात प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध राजा होता है। और यही अगर पांच ग्रह क्या हो जाए, पंचादेश से अगर पांच ग्रह एक ही केंद्र के अंदर आपके हों और वो ग्रह स्वराशि में हों या उच्च की राशि में हों, तो ऐसा मनुष्य चाहे किसी वंश का हो, रण्य वंश से प्रसूत हो, किसी भी वंश का वो मनुष्य हो, वो आपका पृथ्वी का राजा बनता है, पृथ्वी का राजा बनता है और हमेशा वैभवशाली होता है, वाणा शोधो युक्त है, यानी कि वैभवशाली होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीन या तीन से अधिक ग्रह अगर केंद्र में हों और स्वराशि के हों वो ग्रह या उच्च की राशि में हों, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। राजा मीन्स कि बहुत बड़ा पैसा धनवान होता है और ज्ञानवान होता है। और अगर यही तीन की जगह पांच या उससे अधिक ग्रह हों, तो आदमी किसी भी वंश में पैदा हो, मतलब किसी गरीब से गरीब घर में पैदा होगा, तो भी वो बच्चा राजा बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तो ये एक योग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया। तो मित्रों, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो बेल आइकॉन है वो प्रेस कर दीजिए। बस मेरा यही है कि आप ही करते रहेंगे तो मेरा ही मोटिवेशन इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जब हम अब स्टार्ट करेंगे इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी। तो पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ते जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो पूरी क्लासेस में होंगे। जय श्री कृष्ण।